ओके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सब का आज की क्लास में। सबसे पहले तो बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? आवाज़ वगैरह, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ परफेक्ट है? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलिस शेली, माई राइट हैंड इज फ्रैक्चर्ड, इट टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। ओ एलिस शेली, चलिए ध्यान रखिए अपना भाई, अगर आपका राइट हैंड फ्रैक्चर है तो भाई ध्यान रखिए अपना। ओके कैसे हो आप बच्चे, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से आप सबका वेलकम है आज के मैराथन सेशन में। आज हम 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट संडे जो सेशन हुआ था, आज उसी का सेकेंड पार्ट है और आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस करने के से पहले आप सब जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करिए ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। ये आपका काम है, आप जितना लाइक और शेयर करेंगे सेशन को, उतने हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। भाई सेशन शुरू करने से पहले आप सबको मैं फिलहाल ऑन गोइंग एक ऑफर के बारे में बता दूँ जो कि अडर 24/7 की ऐप में चल रहा है, और वो है यूपीपीएससी का महापैक। यूपीपीएससी का महापैक, इसकी वैलिडिटी आप समझो 12 महीने की वैलिडिटी है। इसमें प्री की तैयारी होगी, मेंस की तैयारी होगी, इंटरव्यू मिलेगा आपको, इंटरव्यू की तैयारी होगी, और साथ ही साथ इसमें ई बुक भी आप सबको प्रोवाइड करी जाएगी, और साथ ही साथ 12 महीने की वैलिडिटी है, और ये फुल आपको महापैक यानी कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1999 का मिलेगा। सब कुछ सिर्फ 1999 के अंदर मिलेगा। अगर आपको इसे परचेज करना है, आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैश, FLASH, फ्लैश कोड इस्तेमाल करके आप इस बैच को जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई नोटिफिकेशन मिला था आज की क्लास का या नहीं, ये बताओ पहले तो आप सारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। हाँ जी बच्चे, शुरू किया जाए आज की क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़े। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? हाँ जी बच्चा, ध्यान से देखना। इन इंडिया द नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी एनुअली, यानी इंडिया में नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। 2022 का इस बार का थीम क्या रहा है? चार ऑप्शन है, इट्स ऑल इन द माइंड, नेशनलिज्म इज द स्पिरिट, खेलेगा इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ जी चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए गाइस। इंडिया में नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी बच्चा, तो आपको बताना है इस बार का इसका थीम क्या रहा है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए गाइस। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 12th of January, हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आपको बताना है इसका
2022 का थीम क्या रहा है? चार ऑप्शन है, इट्स ऑल इन द माइंड, नेशनलिज्म इज द स्पिरिट, खेलेगा इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अभी तक किसी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया। पहली बात तो पहली बात तो अगर हम बात करते हैं नेशनल यूथ डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, तो बेटा वो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए और इस मौके में ये दिन मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम क्या रहा है अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो इस बार का इसका थीम रहा है इट्स ऑल इन द माइंड, यानी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं। जितने बच्चों ने ना ए आंसर दिया है, एकदम सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन, इट्स ऑल इन द माइंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टू रिसीव अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। देखो, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसे मिला और रिसेंटली उनकी डेथ भी हो गई। जिस दिन उनको हार्ट ट्रांसप्लांट मिला था उसके आई थिंक 45 डेज या आई थिंक 50 डेज के बाद इनकी डेथ भी हो गई। यानी ये सर्जरी इनिशियल स्टेज में हमें लगा था सक्सेसफुल है, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, कॉम्प्लिकेशन हुए और इस व्यक्ति की डेथ भी अब हो चुकी है। लेकिन आपको ये बताना है कि विश्व का कौन से पहले व्यक्ति थे जिनको पिग हार्ट ट्रांसप्लांट मिला है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज डेविड बेनेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डेविड बेनेट इज द करेक्ट आंसर। मैम, आपके क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल नहीं होता। हाँ जी बेटा, आप सही कह रहे हो, अवेलेबल नहीं होता, मैं करवा दूंगी अवेलेबल। ठीक है, डोंट वरी, मैं करवा दूंगी अवेलेबल, परेशान ना हो। ठीक है, मैं करवा दूंगी, डोंट वरी गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। बुक्स एंड ऑथर इज अ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ठीक है, इनडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये आखिरकार किसके द्वारा ऑथर्ड किया जाता है? चार ऑप्शन है, माया साराभाई, अरुंधति भट्टाचार्य, अमित भट्टाचार्य या फिर वी डैनियल। चलिए आंसर देना स्टार्ट करें, इन चारों में से किसके द्वारा ये बुक लिखी गई, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल बुक रिसेंटली ऑथर करी गई, आपको बताना है कि किसके द्वारा ऑथर करी गई है। हाँ जी बच्चे, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, ये बुक लिखी गई अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य की ये एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने अपनी खुद की लाइफ के ऊपर ये बुक लिखी है। इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, व्हिच कंपनी हैज रिप्लेस्ड वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग फॉर 2022 एंड 23 सीजन। यानी कौन सी कंपनी ने रिप्लेस किया वीवो को एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द 2022 और 23 सीजन। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। अरे, आईपीएल 2022 और 2023 के सीजन के लिए अब की बार टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेगा? वीवो नहीं रहेगा। वीवो को किसने रिप्लेस किया? टाटा ग्रुप ने, इन्फोसिस ने, रिलायंस ने या फिर बायजूस ने? किसने रिप्लेस किया वीवो को? हाँ जी गाइस, आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अभी तक किसी का आंसर आना स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चे। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, टाटा ग्रुप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, यानी 2022 और 2023 का सीजन जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा अब स्पॉन्सर किया जाएगा, ना कि वीवो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए रिलीज हो चुका है, आपको बताना है इसमें इंडिया की, भारत की रैंक क्या है, 111th, 90th, 83rd या फिर 50th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग
क्वार्टर वन की 2022 क्वार्टर वन की रैंक क्या है इंडिया की, 111, 90th, 83rd या फिर 50th? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, भाई लाइक और शेयर करते जाओ सेशन गाइस, ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जुड़ सके। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, यस मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। हमारे भारत की रैंक कितनी है? 83rd रैंक है, ठीक है, डन। अब अगर हम बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में हमारे इंडिया की रैंक 90th थी, लास्ट क्वार्टर यानी 2021 के फोर्थ क्वार्टर पर, जो कि लास्ट पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ था, भारत की रैंक थी 90th, लेकिन अब भारत की रैंक कितनी है? 83rd। फर्स्ट पोजीशन में है जापान और सिंगापुर के जो है पासपोर्ट, ठीक है, तो जापान एंड सिंगापुर ये फर्स्ट पोजिशन पर है, एंड सबसे लास्ट में है इसमें अफगानिस्तान, जिसके पास सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, और सबसे पावरफुल किसके पास है? जापान या फिर सिंगापुर के पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए, विच कंट्री हैज डिटेक्टेड अ न्यू वेरिएंट डब्ड एज डेल्टा क्रोन, एक नया तरीके का वेरिएंट जिसका नाम है डेल्टा क्रोन, वे आखिरकार कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली डब्ड किया गया है? वो चाइना के द्वारा किया गया है, जापान के द्वारा किया गया है, यूएसए के द्वारा किया गया है, या फिर साइप्रस के द्वारा किया गया है? हां जी आंसर देना स्टार्ट करो गाइस, सारे के सारे स्टूडेंट जल्दी से, कौन सी कंट्री ने डिटेक्ट किया एक नया तरीके का वेरिएंट डेल्टा क्रोन? डेल्टा क्रोन सबसे पहले किस कंट्री में डिटेक्ट किया गया? तो यहां पर सपना ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही कहा सपना ने, साइप्रस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब साइप्रस का नाम आ गया है, तो साइप्रस की कैपिटल क्या है? सभी जानते हैं साइप्रस की कैपिटल पता होना चाहिए, निकोसिया यहाँ की कैपिटल, और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। साइप्रस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, दैट्स वाई करेंसी इज यूरो, एंड कैपिटल क्या है यहाँ की? निकोसिया, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कचई लमन फेस्टिवल जो है वो आखिरकार इंडिया के कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? अभी रिसेंटली कचई लमन फेस्टिवल यानी ऑर्गेनिक कचई लमन फेस्टिवल फॉर सेफ एनवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम रहा है। कचई लमन फेस्टिवल आपको बताना है कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम में, मणिपुर में, यूपी में, या फिर वेस्ट बंगाल में? हाँ जी बच्चे जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो, कचई लमन फेस्टिवल आपको बताना है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज मणिपुर, कचई लमन फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। एन बीरेन सिंह यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर, और ला गणेशन जो है वो यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, डन है, मणिपुर, यस मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? भाई मैंने क्वेश्चन पूछा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन के रूप में आखिरकार इसमें से किसे अपॉइंट किया गया? चार ऑप्शन है, रघुवेंद्र तनवर, इतिरा देविस, समित घोष, या फिर नितिन चौग। इन चारों में से हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना हुई थी 27 मार्च 1942, 27 मार्च 1972 में, नॉट 42, 72 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राघवेंद्र तनवर जो है वो इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो राघवेंद्र तनवर जो है वो फिलहाल इसके चेयरमैन है। 27 मार्च 1972 ICHR स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ गाइस, ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, यह आपका काम है, आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अदानी ग्रुप साइन कर रहा है एग्रीमेंट साउथ कोरिया की पॉस्को के साथ टू डेवलप स्टील मिल इन, अदानी ग्रुप ने साउथ कोरिया की पॉस्को कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि वो स्टील मिल इसमें से किस जगह खोलेगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश? चारों में से किस जगह स्टील प्लांट के सेटअप के लिए गाइस अदानी ग्रुप ने साइन किया है पॉस्को कंपनी के साथ क्या
एग्रीमेंट। हाँ जी बच्चे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारे लिए? तो सूरत गुजरात, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर एक्चुअली सूरत गुजरात, अगर हम बात करते हैं मुंद्रा गुजरात में स्टील मिल सेटअप करने के लिए पॉस्को ने साइन किया है अदानी ग्रुप के साथ, और इसमें लगभग 37,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्टील मिल का एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, व्हिच बैंक वाज नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया इन द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2022? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में बेस्ट प्राइवेट बैंक का खिताब आखिरकार इसमें से किसे मिला? एक्सिस बैंक को मिला, एचएसबीसी को मिला, एचडीएफसी को मिला, या फिर कैनरा बैंक को मिला? हाँ जी गाइज, आंसर देना स्टार्ट करो। बेस्ट प्राइवेट बैंक का खिताब ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में आखिरकार किसे मिला? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में बेस्ट प्राइवेट बैंक का खिताब आखिरकार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है HDFC। HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना करी गई 1994 में, इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया में आर्म्ड फोर्स वेटरन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मैम साइड हो जाया करिए, चलिए ठीक है। देखिए, इंडिया में आर्म्ड फोर्स वेटरन डे कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, या फिर 14 जनवरी? हाँ जी बच्चे, आर्म्ड फोर्स वेटरन डे, इंडिया में आर्म्ड फोर्स वेटरन डे आखिरकार कब मनाया जाता है? चलिए मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करिए गाइस। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे, भारत में आर्म्ड फोर्स वेटरन डे आखिरकार कब मनाया जाता है? सन 2017 से आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया जा रहा है इंडिया में 14 जनवरी में। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। जितने स्टूडेंट ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन, आर्मी डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? भाई यहाँ पर आज सारे वन वर्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ जी जल्दी से बताओ, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15, 16, 17 या फिर 18 जनवरी? आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी डे आखिरकार कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी? हाँ जी गाइस, आर्मी डे इस साल 74th आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया, और आर्मी डे जो है हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 15th जनवरी। मैक्सिमम स्टूडेंट ने यहां पर एकदम सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी? मतलब अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर देने वाली, या उसको परचेज करने का ऑर्डर देने वाली पहली विदेशी देश या पहली फॉरेन कंट्री आखिरकार कौन सी रही है? फिलीपींस, श्रीलंका, यूएसए या पाकिस्तान? किस देश ने अपने नेवी के लिए ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल को परचेज करने का ऑर्डर दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है गाइस? हाँ जी, और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ बच्चे, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं गाइस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ए, यानी फिलीपींस। कहां पर, किसने अपने देश की नेवी के लिए किया है? फिलीपींस ने ये अपने देश की नेवी के लिए अनाउंस किया है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला जो है वो यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ फिलीपींस पीसो यहाँ की करेंसी चलती है। ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट थिंग, चलो, नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को डिक्लेयर किया एज द नेशनल स्टार्टअप डे? भारत में नेशनल स्टार्टअप डे हर साल किस दिन मनाया जाएगा? हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करो। द स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड ऑन, स्टार्टअप डे भारत में हर साल कब मनाया जाएगा? गाइस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ स्टूडेंट्स, मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। हाँ जी गाइस, नेशनल स्टार्टअप डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आर्मी डे के एक दिन के बाद यानी 16 जनवरी, आर्मी डे के एक दिन के बाद 16 जनवरी को हर साल अब कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि वो नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत। सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बनने वाली कंट्री की पहली आखिरकार कौन सी पंचायत है? फतेहपुर यूपी की, कुंबलंगी केरला, बेंगलोर कर्नाटका या फिर नन ऑफ द अबव। सैनिटरी फ्री नैपकिन पंचायत आखिरकार कौन बनने वाली है जो कि इंडिया की पहली बनने वाली है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुंबलंगी केरला। ये पंचायत जो है वो पहली पंचायत बनने वाली है जो कि सैनिटरी फ्री नैपकिन पंचायत बनने वाली है। ठीक है, डन। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द अदानी पावर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 11 जनवरी 2022। 11 जनवरी 2022 से आपको बताना है कौन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने वाले हैं अदानी पावर्स के। हाँ जी गाइस, आंसर देना स्टार्ट कर लो। हाँ जी, और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ बच्चे। ये आपका काम होना चाहिए, मेरा काम नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अदानी पावर विद इफेक्ट फ्रॉम 11 जनवरी 2022 आखिरकार कौन बनने वाला है? आरिफ खान, सुभाष गाई, शेर सिंह बी ख्यालिया या फिर चौथा मेरा नाम लिखा हुआ है। अच्छा, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं मतलब मैं समझ गई हूँ एग्जाम में वही बच्चे पार करेंगे। जो बच्चे ना डी आंसर दे रहे हैं मैं समझ गई हूँ एग्जाम में वही बच्चे पार करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी, शेर सिंह बी ख्यालिया जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अदानी पावर्स के सीईओ के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, अब एक मिलिट्री एक्सरसाइज है पैसिक एक्सरसाइज जो कि अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट करी गई। मिलिट्री एक्सरसाइज नोन एज पैसिक एक्सरसाइज वो अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट करी गई। ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और रशिया, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया चाइना या फिर इंडिया यूएसए के बीच में। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। हाँ जी बच्चे, जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ बच्चे। आपका काम होना चाहिए, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े। पैसिक्स एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच की एक्सरसाइज है? पैसिक्स एक्सरसाइज इज अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, इंडिया और किसके बीच की एक्सरसाइज है ये? इंडिया और आई थिंक श्रीलंका, श्रीलंका ना गाइस, इंडिया और श्रीलंका या इंडिया और रशिया, इंडिया और रशिया के बीच की एक्सरसाइज है। कंफ्यूज हो गई थी मैं, बट रशिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया और रशिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज का नाम है पैसिक्स। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज IAMAI organizes 16th India Digital Summit 2022. The theme was IAMAI Internet and Mobile Association of India ने 16वां India Digital Summit 2022 organize किया, जिसका इस बार का थीम क्या रहा है? लीप डिजिटल इंडिया बढ़ेगा भारत या फिर सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। हाँ जी, चलो बताओ इसका थीम क्या है इस बार का। हाँ जी बच्चे, तो अगर हम उस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 16वां इंडिया डिजिटल समिट 2022 रिसेंटली रखा गया है जिसका थीम क्या रहा है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स जो है वो रहा है इसका इस बार का थीम। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हु लीड इंडिया एट द अपकमिंग वुमेन्स एशिया कप इन मस्कट एज द हॉकी इंडिया। ठीक है, अपकमिंग वुमेन्स एशिया कप मस्कट हॉकी इंडिया में आखिरकार इंडिया को लीड इसमें से किसने किया? सविता पुनिया,
तस्नीम मीर झूलन गोस्वामी या फिर नन ऑफ द अबव। भाई भारत की वुमेन एशिया कप मस्कट में होने वाला है हॉकी, इंडिया में आखिरकार कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी को? चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑफ कोर्स सविता पुनिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करो ना ताकि हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। भाई देखो हम सब यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, डेली हम आपको सेशंस प्रोवाइड करते हैं, फिर आपके लिए मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, लगातार आपके लिए मैराथन क्लासेस रहती हैं। डेली मैं आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन पढ़ाती हूँ, तो अगर हम आपके लिए फ्री इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका काम क्या बनता है? आपका काम सिर्फ इतना बनता है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, एटलीस्ट एक ग्रुप में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? तो ये तीन काम आप अपनी तरफ से हम टीचर्स के लिए कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से आपके लिए जितना काम कर रहे हैं डेली, हम आपको जितना फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डेली, ये हम अपनी तरफ से आपके लिए कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से हमारे लिए ये करिए, ठीक है? नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज जो है वो रिसेंटली इनका निधन हो चुका है, वो आखिरकार कौन थे? इसी साल पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है, वो कौन थे? भरतनाट्यम डांसर थे, कथक डांसर थे, सिंगर थे या फिर एक्टर थे? हाँ जी गाइस, हाँ जी, झूलन गोस्वामी क्या है, वो एक क्रिकेटर थी, बिल्कुल क्रिकेटर है, सॉरी नॉट थे, सॉरी है, ओके। पंडित बिरजू महाराज जो है इनका रिसेंटली निधन हुआ है, ये आखिरकार क्या है? हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये एक्चुअली एक कथक डांसर रहे थे, नॉट भरतनाट्यम। ये कौन से डांसर रहे हैं? कथक डांसर रहे थे, ठीक है? इनका निधन हुआ है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन एवर फीचर्ड ऑन द US 25 सेंट कॉइन नोन एज अ क्वार्टर? पहली ब्लैक वुमेन जो कि अभी तक सबसे पहली बार फीचर हुई है US में 25 सेंट कॉइन में, जिसे क्वार्टर कहा जाता है, तो क्वार्टर में प्रिंट होने वाली, फीचर होने वाली पहली ब्लैक वुमेन आखिरकार कौन है? चार ऑप्शन है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी बच्चे जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। यस यस यस, माया एंग्लियो, बिल्कुल सही कहा, एंग्लियो, माया एंग्लियो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है ना बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है? यस, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आफरीन अस्मत भी तो हो सकता है, वाई ए फॉर एप्पल, ए फॉर आफरीन अस्मत। यस, अब की बार जिस ऑप्शन का आंसर ए होना है पूरे सेशन में समझ लो, जिस ऑप्शन का आंसर ए होना है सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ए फॉर आफरीन अस्मत, इट इज नॉट ए फॉर एप्पल, इट इज ए फॉर आफरीन अस्मत, ठीक है? ओके नेक्स्ट, चलो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन के रूप में आखिरकार इसमें से किसे चुना गया? चार ऑप्शन है यहाँ पर, चलिए ऑप्शन देखिए और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करिए। ये एक्चुअली एक ऑफिशियल बॉडी है अपैरल को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इट इज द ऑफिशियल बॉडी जो कि अपैरल को एक्सपोर्ट करने के लिए है इंडिया में, और इसके फिलहाल नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? नरेंद्र कुमार गोयनका को चुना गया, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है? डन, ओके चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, Who was crowned as the Mrs. World 2022? Mrs. World 2022 आखिरकार इसमें से किसे क्राउन किया गया? हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए जल्दी से, नहीं प्रेडिक्शन मत करो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो गाइस, चलो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो, प्रेडिक्शन विडिक्शन नहीं चाहिए। हु वॉज क्राउंड एज द विनर ऑफ द मिसेस वर्ल्ड 2022? मिसेस वर्ल्ड 2022 के विनर के रूप में आखिरकार इसमें से किससे क्राउन किया गया? साइड हो गई मैं यार, चलो देखो क्या करूं, लंबी हूं, चली जाती हूँ बोर्ड के यहां तक, 5'7" हाइट है मेरी,
हाँ बाल तो 5'7" इज गुड हाइट, तो लंबी हो ना तो थोड़ी साइड हो जाया करूँ। ओके, हु वाज क्राउन्ड एज द विनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए फॉर आफरीन अस्मत, दैट इज शाइलिन फ्रॉड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यस ए फॉर आफरीन अस्मत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए ध्यान से देखिएगा, विच स्टेट बैग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड इन द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड हुआ है 2021 में, जिसमें कौन से राज्य ने हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप अवार्ड जीते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप अवार्ड आखिरकार इसमें से किस राज्य को दिए गए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 6-2, भाई बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत ही लंबे हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? अगर हम इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज कर्नाटका। जितने स्टूडेंट ने डी आंसर दिया है ना, कर्नाटका बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एड्रेस किया डेवोस एजेंडा समिट 2022 में। आपको बताना है इस इवेंट का थीम क्या रहा है। चलो आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे, इस इवेंट का थीम क्या रहा है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, कोविड सिचुएशन या फिर सेफ वर्ल्ड? चलो आंसर देना स्टार्ट करो, इन चारों में से थीम क्या रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द थीम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, डावोस एजेंडा समिट 2022 का आखिरकार थीम क्या रहा है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अगेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए फॉर अफरीन अस्मत, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रहा है इसका इस बार का थीम, यानी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा सोशल वर्कर शांति देवी, इनको वॉइस ऑफ पुअर के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हुआ है रिसेंटली, इन्हें पद्मश्री किस ईयर में दिया गया? हाँ जी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो। चलो आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी से सारे के सारे बच्चे। ओडिशा सोशल वर्कर शांति देवी, इनको रिमेम्बर किया जाता है एज द वॉइस ऑफ पुअर, ये इनका निधन अभी रिसेंटली हुआ है। आपको बताना है इन्हें पद्मश्री इसमें से किस ईयर में दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इनको पद्मश्री एक्चुअली मिला सन 2021, अभी पिछले साल ही इनको जो है पद्मश्री मिला था, और इनका जो है क्या हुआ, निधन हुआ है रिसेंटली। ठीक है, डन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ न्यू बायोग्राफी टाइटल्ड बोज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट ऑथर्ड बाय, ये नई बायोग्राफी जिसका नाम है बोज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक आखिरकार इसमें से किसके द्वारा लिखी गई? चार ऑप्शन है, आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी गाइस, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाओ बच्चे, मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, आपका काम होना चाहिए और आपको खुद ही थोड़े समय में रिमाइंडर डाल देना चाहिए बच्चों के सामने कि आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने ये बुक अभी लिखने का काम किया। ठीक है, किसने ये बुक लिखने का काम किया? चंद्रचूड़ घोष इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, कहां पर? विश्व कंट्री के, हमारे इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन आखिरकार विनय कुमार सक्सेना ने कहां लॉन्च करी? गाजियाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर आगरा में? हाँ जी बच्चे चलो आंसर देना स्टार्ट करो, कहां पर लॉन्च करी गई?
कंट्रीज की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन आखिरकार कहाँ पर लॉन्च करी गई? गाजियाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं गाइस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये लॉन्च करी गई गाजियाबाद में। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, गाजियाबाद में लॉन्च करी गई। ठीक है, डन डन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं हम। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर? भाई इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम आखिरकार कहां पर इनोग्रेट किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना, बेंगलुरु, कर्नाटका, लखनऊ, यूपी या फिर नन ऑफ दीज? डॉक्टर जितेंद्र ने इनोग्रेट किया इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, इसमें से कहां? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हां जी, कहां पर इनोग्रेट किया गया ओपन रॉक म्यूजियम? तो भाई ओपन रॉक म्यूजियम जो है हैदराबाद, तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, डन, गुड। नेक्स्ट इज व्हाट? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार भाई ये यूपीएससी महापैक के बारे में देख लो बच्चे, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बार इस बारे में आपको बता दूं कि भाई अभी रिसेंटली ये फिर से सेल है, सिर्फ आज दिन भर के लिए ये सेल है। यूपीपीएससी के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों इसी पैक में मिलेगा, साथ ही साथ ई बुक भी मिलेगी और सब कुछ सिर्फ इतने में। और अगर आपको ये परचेज करना है तो आप फ्लैश कोड इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर देखो ऑलरेडी जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। फ्लैश कोड इस्तेमाल करके बच्चे आप ये यूपीएससी का महापैक, यूपीपीएससी का महापैक खरीद सकते हो और इसका टाइम पीरियड सिर्फ आज के दिन का ही है और इसीलिए खरीद लो बच्चे, 12 महीने की वैलिडिटी है, इससे सस्ता आपको कुछ और मिलेगा नहीं, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, डन, ओके, चलो आगे बढ़े। भाई इसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो गाइस अगर आपको परचेज करना है तो प्लीज परचेज कर दीजिए। ठीक है, चलो। अ न्यू बुक टाइटल गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। भाई गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये बुक आखिरकार किसके द्वारा लिखी गई? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? अगेन मेरा नाम है, जो डी आंसर देंगे समझो बच्चे वही जो है एग्जाम में पार है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है गाइस, जल्दी जल्दी भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, लाइक एंड शेयर करते जाओ वीडियो को, ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। मिक्की जी ने चाय ऑफर करी है, कॉफी, मैं चाय पीती हूँ यार, कॉफी की मेरे को कॉफी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाय पीती हूँ, तो चाय ऑफर करो, कॉफी नहीं। ठीक है, ओके। तो गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड इस आइडिया ऑफ इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? धीरेन्द्र झा के द्वारा ये बुक लिखी गई, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया 24वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, 24वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये इनोग्रेट करने का काम किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद, तेलंगाना में। आपको बताना है इसका थीम क्या रहा है, चार ऑप्शन है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई इसका थीम क्या रहा है, 24वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का थीम क्या रहा है? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए गाइस। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका थीम रहा है इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ये रहा है इसका इस बार का थीम, यानी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? विच स्टेट हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट स्टेट इन द वॉटर
conservation efforts in the National Water Award 2020. National Water Award 2020 में water conservation efforts के लिए best state का award आखिरकार उसमें से किसे मिला? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर पंजाब? हाँ जी बच्चे, जल्दी से बताओ किसे मिला as the best state for the water conservation efforts. तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश को. ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. सेकेंड नंबर पे आया राजस्थान और थर्ड नंबर पे क्या आया? तमिलनाडु. ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड देन हमारे लिए क्या आया? तमिलनाडु. ठीक है, अब यहाँ पर इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लिख रखी है, जैसे कि बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर, साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम, ईस्ट जोन पे ईस्ट चंपारण बिहार एंड गोड़ा, वेस्ट जोन में इंदौर मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट जोन पे गोलपारा असम. यानी हर जगह, पहले बस स्टेट तो उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हर जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन अवार्ड के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है. बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, बेस्ट मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए इन इन कैटेगरीज में इन इन लोगों को अवार्ड मिला हुआ है. ठीक है, डन है गाइस. ओके मैम, प्लेस में मैम अपने प्लेस का डाल दिया करो. क्या समझी नहीं मैं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, चलिए स्लाइड में लिखा नहीं दिख रहा है. अच्छा बच्चे, ये नहीं दिखा हो रहा होगा, ये तो दिख रहा है. अब बताओ, चलो जल्दी से सबके सब आंसर देना स्टार्ट करो गाइस. हाँ जी, द ICMR हैज अप्रूव्ड अ टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्टिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ सार्स कोव टू कोरोना वायरस. द कोविड किट इज डेवलप्ड बाई टाटा इज कॉल्ड एज बाई ICMR ने एक टेस्टिंग किट ओमिक्रॉन वेरियंट को डिटेक्ट करने के लिए बनाई और ये टेस्टिंग किट टाटा के द्वारा डेवलप करी गई है. आपको बताना है इस टेस्टिंग किट का नाम क्या है बच्चे, इस टेस्टिंग किट का नाम क्या है? हाँ जी, लाइक और शेयर करो वीडियो को जल्दी से. तो इस टेस्टिंग किट का नाम क्या है? ओमिश्योर. ओमिश्योर जो है वो टाटा के द्वारा एक टेस्टिंग किट डेवलप करी गई है ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए. तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who become the Pakistan first woman Supreme Court judge? पाकिस्तान में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज आखिरकार कौन बनी? हीना मलिक, रेशम मलिक, आयशा मलिक या फिर मेरा नाम? ठीक है, तुम सोच रहे होंगे मैम को अपने नाम के साथ कितना ऑब्सेशन है. अरे यार, मुझे जब ना कोई ऑप्शन समझ नहीं आता है ना, तो फिर मैं अपना नाम डाल देती हूँ. अब यार मैंने तीन नाम बता दिए, अब मुझे चौथा नाम समझ में नहीं आता कि यार अब किसका नाम डालूं, तो फिर मैं अपना नाम डाल देती हूँ. चलो आंसर देना स्टार्ट करो. पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज आखिरकार कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी बच्चे, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आयशा मलिक. सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आयशा मलिक. जितने स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है. ठीक है, डन है गाइस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक? आपको बताना है नए सेक्रेटरी जनरल, ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में आखिरकार इसमें से किसे चुना गया? अमित शाह, शेख जायद, रियाज खान या फिर हैतम अल गैस? इन चारों में से ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में आखिरकार इसमें से किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में. इसे बगदाद में 1960 में बनाया गया था और रिसेंटली इसके हेड चुने गए हैं हैतम अल गैस. यानी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है. और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है आप लोगों को भाई. जितने बच्चे वॉचिंग है, सब के सब बच्चे एक बार तो लाइक और शेयर कर ही दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे.
एक बार लाइक और शेयर कर ही दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। चलो बताओ, विश्व हिंदी दिवस आखिरकार कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 13 जनवरी? वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व हिंदी दिवस आखिरकार कब सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप सब जानते हैं, इस दिन विश्व की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसको इनॉग्रेट किया गया था 10 जनवरी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 1975 में 10 जनवरी में विश्व की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसी दिन को याद करने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे बनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, ठीक है? ईयर कौन सा था? 1975, जब वर्ल्ड की पहली फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है? और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? इसको इनॉग्रेट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है? डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनआरआई डे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? एनआरआई डे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, वो आखिरकार कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6, 7, 8 या 9? इस दिन कौन कहां से रिटर्न हुआ था? चलो बताओ, इस दिन कौन कहां से रिटर्न हुआ था? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और मुझे आंसर दो, इस दिन कौन जो है वो कहां से रिटर्न हुआ था? हाँ जी बच्चा, तो एनआरआई डे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी, यानी 9 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी कहाँ से रिटर्न हुए थे बच्चे? साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। गुड 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 गाइज। हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, यानी इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट आखिरकार कौन सा हाई कोर्ट जो है वो बनने वाला है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट या फिर नन ऑफ दी अबव? इन चारों में से कौन सा हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन इंडिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट या फिर नन ऑफ दी अबव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, केरला हाई कोर्ट सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केरला हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्स आल्सो स्मोक फ्री स्टेट? कौन सा स्टेट पहला एलपीजी, ठीक है, एलपीजी इनेबल्स ऑल्सो स्मोक फ्री स्टेट जो है वो बनने वाला है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर हिमाचल प्रदेश? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्स ऑल्सो स्मोक फ्री स्टेट? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस, हिमाचल प्रदेश। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है? डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरबंदा सोनोवाल ने लेड किया फाउंडेशन डो ऑफ द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी कहां पर? इंटरनेशनल योगा अकेडमी का सेटअप या फाउंडेशन स्टोन सरबंदा सोनोवाल ने अभी रिसेंटली कहां पर रखा है? हैदराबाद तेलंगाना, आगरा यूपी, हिमाचल प्रदेश में शिमला में या फिर बेंगलुरु कर्नाटका में? सरबंदा सोनोवाल कौन है? यूनियन आयुष मिनिस्टर है सरबंदा सोनोवाल, और जिन्होंने रिसेंटली हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी का फाउंडेशन स्टोन रखा है हैदराबाद तेलंगाना में, यानी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है? डन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2022? भाई आपको बताना है, चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2022 के चेयरपर्सन के रूप में इसमें से किसे चुना गया? अगेन चौथा मेरा नाम है तो इग्नोर करो मेरे नाम को, बाकी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जी,
भाई अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, टीएस तिरुमति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है? टीएस तिरुमति जो है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में है टीएस तिरुमति, जिनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी के चेयरपर्सन के रूप में, ठीक है? डन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए देखिए, हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में आखिरकार किसे चुना गया? जांग बिन, व्लादिमीर नोरोव, रोहन मेहरा या फिर दानिश सईद। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में आखिरकार किसे चुना गया? हाँ जी गाइस, जल्दी से बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाओ, ये आपका काम होना चाहिए, मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जांग मिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज जांग मिंग, ठीक है? ओके इन्होंने किसे रिप्लेस किया? तो इन्होंने रिप्लेस किया व्लादिमीर नोरोव। व्लादिमीर नोरोव पहले थे और अभी कौन बने हैं? जांग मिंग बने हैं, ठीक है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम। भाई इससे पहले भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम। ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम के चेयरपर्सन के रूप में आखिरकार इसमें से किसे अपॉइंट किया गया? हाँ जी, एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा या फिर पूनम राउत। हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाओ। स्टूडेंट्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है झूलन गोस्वामी, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है झूलन गोस्वामी, ठीक है? डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 आखिरकार किसने जीती? वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 जीतने का काम इसमें से किसने किया? भाई देखो यहाँ पर नाम इतने टफ है, मैं तो नहीं बोल सकती, तुम सारे के सारे बच्चे इसको देखो और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 जीतने का काम आखिरकार इसमें से किसने किया? हाँ जी भाई, क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक और शेयर तो करो, एटलीस्ट लाइक तो करो। ओके तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप आखिरकार जीतने का काम किसने किया? तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है? डन। हां जी हां जी, अरे सी है भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या बात कर रहे हो। भाई इनको डिफीट करके, ये रशिया की थी, इनको डिफीट करके ये बने, ठीक है? ओके परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन वन द स्कॉच अवार्ड इन द सिल्वर कैटेगरी फॉर इट्स वर्क टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। क्राइम और वायलेंस बच्चों के अगेंस्ट जो है वो कॉम्बैट करने के लिए स्कॉच अवार्ड आखिरकार इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ICMR, एम्स या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ जी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करिए गाइस। हाँ जी, वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम है, या चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम और वायलेंस है उसे कॉम्बैट करने के लिए स्कॉच अवार्ड आखिरकार इसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जीता? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जीता, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है गाइस? डन।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूसोंग यानी नामसूंग इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस विच स्टेट ऑफ इंडिया. ये लूसोंग या फिर नामसूंग नाम का फेस्टिवल आखिरकार कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश? हाँ जी बच्चे, सॉरी, लूसोंग नामसूंग जो फेस्टिवल है वो आखिरकार कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली? हाँ जी गाइस, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं वो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है. सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. ठीक है, सी, सिक्किम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है. किसमें? सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डेट विल बी ऑब्जर्व्ड एज द वीर बाल दिवस एवरी ईयर. कौन सी डेट जो है वीर बाल दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है? वीर बाल दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 26, 27, 28 या फिर 29? हाँ जी, वीर बाल दिवस हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26, 27, 28 या फिर 29? हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं वीर बाल दिवस हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज 26 दिसंबर, यानी 26 दिसंबर को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. 26 दिसंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. जितने बच्चों ने 26 दिसंबर आंसर दिया है गाइस, एकदम सही और परफेक्ट आंसर दिया है. ठीक है, डन है बच्चा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हु हैज बीन अपॉइंटेड टू होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, उसके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का एडिशनल चार्ज इसमें से किसे दिया गया? शर्मन जोशी, सोनाली सिंह, दीपक दास या फिर नन ऑफ द अबव? हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो. खुली आंखों से धोखा हो गया, कोई बात नहीं, खुली आंखों से धोखा हो गया तो हो गया, क्या ही किया जा सकता है, हो गया तो हो गया धोखा. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CGA अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी सोलानी सिंह. इन्होंने किसे रिप्लेस किया? दीपक दास को. यानी पहले कौन थे? पहले थे दीपक दास और अब कौन बने? अब बनी सोनाली सिंह. ठीक है, डन है गाइस. हाँ जी बच्चा, डन है. कोई बात नहीं यार, तुम लोग आपस में पता नहीं क्या क्या बात किया करते हो. चलो गाइस, आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं. ठीक है, आज की क्लास बच्चे सिर्फ इतनी ही रखते हैं. सबसे पहले तो बताओ आज की क्लास का सेशन कैसा लगा आप सबको? हाँ जी, आज की क्लास का सेशन कैसा लगा आपको बच्चे? गाइस जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो. ठीक है भाई, अगर आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, तो इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इस सेशन को पहुंचाने की कोशिश करिएगा. आप में से जितने स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सबने, बेल नोटिफिकेशन के आइकन में क्लिक करना है ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आप सबको नोटिफिकेशन मिले. ठीक है, एनडीए के लिए करंट अफेयर बेटा डेली डेली इमरान खान, डेली 7 बजे सुबह क्लास चलती है. एनडीए के लिए करंट अफेयर आपको वहां से प्रिपेयर कर सकते हो. डेली सुबह 7 बजे मेरी क्लास चलती है इसी चैनल पे. एनडीए, यूपीएससी, स्टेट लेवल एग्जाम, हर एग्जाम के लिए वो करंट अफेयर इज वेरी वेरी यूजफुल. ठीक है, ओके डन है गाइस. चलो थैंक यू सो मच नॉलेज जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया. तो लाइक और सेशन लाइक और शेयर करते जाइएगा सेशन को. एंड थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर. आप सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, कल सुबह 7 बजे वाली क्लास में मिलती हूँ. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. बाय, थैंक यू सो मच, बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन.